हम लोगों ने एक नया राजनीति का आयाम शुरू किया। देश में सारी पार्टियां परिवार ही उनकी पार्टी बन गई है और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। बाकी सब पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई है, कोई बचा नहीं। मैं देश का नक्शा दिखाऊं आपको, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में परिवार की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी। नीचे आप आइए पंजाब, शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी, हरियाणा परिवार की पार्टी। 24 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, किससे लड़ रहे? समाजवादी पार्टी से, परिवार की पार्टी। बिहार में हमारी लड़ाई किससे? आरजेडी से। कौन है? लालू यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, फलाना यादव, ये यादव, ये परिवार की पार्टी। बंगाल में हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, ममता और उसका भतीजा अभिषेक, परिवार की पार्टी। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश, परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर राव, परिवार की पार्टी। तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन, परिवार की पार्टी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, परिवार की पार्टी। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और अकेली और तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटी बेटा की पार्टी बन गए, बाकी सब खुशी है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।